हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद ऑरा। मेरा नाम पॉलमी है। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कैसे 5 to 6 प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप जल्दी से, यानी 10-15 मिनट में रेडी हो सकते हैं अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो और मेकअप करने के लिए आपके पास टाइम ना हो, पर आप सटल दिखना चाहते हो, आपको एक अच्छा सा लुक चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, तो आप लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने आप को एक अच्छा सा नेचुरल लुक दे सकते हैं। तो इस ये वीडियो उसी बारे में है, मैं आप सभी के साथ आज शेयर करूंगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो मैं करूंगी, मैं अपने बालों को टाइन कर लूंगी, क्योंकि मुझे मेकअप करते वक्त सामने अगर बाल वगैरह आए तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो पहले मैं अपने बालों को अच्छे तरीके से टाई कर लेती हूँ, ठीक है। एक बैंड के सहारे सामने के बालों को भी मैं अच्छे तरीके से टाई कर लेती हूँ। तो पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने यूजेज के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। टू क्लीन द फेस, आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं या वेट वाइप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आज करने वाली हूँ, मैं वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। मैं जो वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ वो लैक्टोकैलामाइन के ऑयल कंट्रोल वाइप्स हैं। इसमें नीम, एलोवेरा एंड विटामिन 3 है। ये जो वाइप्स हैं वो 99 रुपीज़ की है। इसमें 30 वाइप्स आपको मिलते हैं। बहुत ही अच्छा वाइप है ये, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जैसे नायका पर्पल, ठीक है, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में। बहुत ही अच्छा वाइप है और आप सभी को पता है लैक्टोकैलामाइन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मैं पहले क्या करूँगी, फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ठीक है। आप लोग फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। टू क्लीन द फेस, तो मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। जो भी ऑयल रहता है, जो भी डर्ट रहता है आपके स्किन में, ये जो फेस वॉश, ये जो वाइप है, अच्छे से आपका क्लीन कर देता है फेस। तो मैंने ये जो है अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस जो है बहुत ही क्लीन लग रहा है अभी। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल स्मेल है, ज़्यादा आपको मतलब स्मेली नहीं लगेगी ये। बहुत जड़ को स्मेल से प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छा स्मेल है इसका, ठीक है। तो मेरा फेस जो है वो क्लीन हो गया है। पहला जो प्रोडक्ट है हाइड्रेट करने के लिए स्किन को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो प्लम की मॉइस्चराइज़र है। इट्स अ ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ये इस तरीके का दिखता है। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, नायका पर्पल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्मिटन, ठीक है। ये जो इसका जो पर्पस है वो है स्किन को हाइड्रेट करना। ये ना तो क्रीम बेस्ड है ना तो जेल बेस्ड है, ये इसके बीचों बीच का एक टेक्सचर है, देख लीजिए आप लोग, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्रीम भी नहीं है, जेल भी नहीं है, बीचों बीच का टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। इसको आप स्किन पे लगा लीजिए, शायद आपको उतना विजिबल ना हो वीडियो में, क्योंकि ये मीडियम मतलब जेल बेस्ड है। तो नेक पे भी आप लोग अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। तो मैं अपना पूरे फेस पे अच्छे से फिंगर टिप्स के सहारे आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब हम लोग 10 से 15 सेकंड के लिए वेट करेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए क्यों वेट करेंगे गाइस, आप लोगों को बता दूं, कभी भी आप लोग अगर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं उसके तुरंत बाद कोई प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि मॉइस्चराइज़र को हाइड्रेट करने के लिए कम से कम 10 से 15 सेकंड टाइम लगता है। वो अप्लाई होने के बाद आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होने के लिए इतना टाइम तो लेता है। तब तक आप अपना प्रोडक्ट्स या कोई भी सामान है वो रेडी करने के लिए कोशिश कीजिएगा, और आप उस टाइम के दौरान अपने फेस को जस्ट ऐसे ही रख दीजिएगा ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब्सॉर्ब होने से आपका जो फेस है वो बहुत ही हाइड्रेटेड रहेगा। अगर उसके बाद आप कोई भी मेकअप करते हैं, अगर आप हेवी मेकअप भी करते हो,
तो वो मेकअप जो है वो आपका मतलब बहुत ही मतलब बम्पी नहीं लगेगा, क्रैकी नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल एक लुक देगा। तो हम लोग वैसे भी आज एक लाइट मेकअप करने वाले हैं, तो फिलहाल मेरा मॉइस्चराइजर जो है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है स्किन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है लैक्मे 925 CC क्रीम, कम्प्लेक्शन केयर क्रीम, ठीक है। ये जो मतलब शेड है वो है 01 बेज में, ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश SPF 30 PA++ है इसमें, SPF 30 है, ठीक है। ये जो शेड है वो मेरे स्किन के साथ बहुत मतलब नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मैच करता है, तो इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। अगर आपका जो भी शेड है आप उस हिसाब से ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट ऐसे है, तो ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया है अपने हाथों पे। पहले मैं क्या करूँगी, डॉट डॉट करके पूरे स्किन पे इसे अप्लाई कर लूँगी, नोज एरिया पे, अपर लिप्स पे, लोअर लिप्स पे, आपके फोरहेड पे। बहुत लाइट एक स्मेल है इसमें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर। मैं थोड़ा अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर रही हूँ। एरिया पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब अपने फिंगर टिप से मैं पूरा अपने फेस को इससे कवर कर लूंगी, आईलिड्स के ऊपर भी। मैं यहाँ कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ इस वक्त, जस्ट फिंगर टिप्स के हेल्प से मैं पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मेरे नेक और फेस पे अप्लाई हो गया है, सी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो मेबेलिन का न्यूयॉर्क फिट मी मैट पोरलेस फेस पाउडर है, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका जो शेड है वो शेड है 310 सन बेज पाउडर, आप लोग देख लीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी को मैं अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मैंने लैक्मे का सीसी क्रीम लगाया था, बस उसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे फेस पे ये पाउडर जो है वो अप्लाई कर लूँगी। आप अपने कान के ऊपर भी अच्छे से इसको स्प्रेड कीजिएगा, फोरहेड पे। अच्छा, नेक में अच्छे से लगाइएगा। मेरा नेक जो है एज कंपेयर टू मेरे फेस के अनुसार थोड़ा डार्क है, तो मुझे नेक पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कीजिएगा। सब जगह पे मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं, ओके। सो फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो मैं यूज करने वाली हूँ, इसी प्रोडक्ट से जो है वो मैं बहुत सारे काम करूंगी एक साथ, आप लोग देख सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए। ये जो है वो है जस्ट हर्ब का हर्ब एनरिच्ड लिप एंड चीक टिंट, ये एक टिंट है, ठीक है। ये शेड महोगनी में है, बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सटल सा लुक देगा ये आपको। ये जो शेड है ये किसी भी कम्प्लेक्शन यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मेरा आप लोग देख सकते हैं मेरा वीटिश स्किन है, तो अगर आप फेयर है, आइवरी शेड के हैं, ब्राउन है, वीटिश है, थोड़ी डार्क है,
जैसे भी कम्प्लेक्शन या शेड के हो आप लोग, ये शेड महोगनी शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट हब के वेबसाइट पे है, आपको स्मिटन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसी से मैं अपनी आई शेडो, अपने ब्लश और लिप्स को कवर करूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। ये ऐसे कंटेनर में आता है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही हल्का सा इस तरीके से आप लोग लीजिए अपने फिंगर टिप पे और आपके आईलिड्स के ऊपर इसको हल्के हल्के से अप्लाई कीजिए। बहुत पिगमेंटेड है ये, तो आप लोग देख सकते हैं, जस्ट लाइट टैप किया है मैंने और उसी में ये पूरा मेरा आईलिड जो है वो कवर अप हो गया है, राइट। बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत हल्का सा चॉकलेट सा स्मेल है इसका, चॉकलेट तो सभी को पसंद है। इस आईज में भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। दोनों आंखों पे मैंने अप्लाई कर लिया है, इस आई पे भी अप्लाई कर लिया है, इस आई पे भी अप्लाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। जस्ट ये अप्लाई किया है, मेरा लुक ही पूरा चेंज हो गया है। अब ये हम लोग ब्लश के तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। आपको जहां जहां आपके चीक बोन्स के ऊपर, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। हल्के से रब कीजिएगा टैप करके, देखिए नोज पे थोड़ा सा, लिप्स के नीचे, चिन पे। अब बारी आती है लिप्स की, तो लिप्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत जल्दी से आप लोग ये मेकअप कर सकते हैं, इजी टू कैरी है, आप इसको साथ में भी रख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही इजी टू कैरी है, आपके पर्स में आराम से आ जाएंगे। अगर आप रीअप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लुक गाइस, ब्यूटिफुल शेड, बहुत अच्छा है, आप लोग ये ले सकते हैं। अभी देख सकते हैं मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करना चाहती हूँ वो है लैक्मे की आइकॉनिक काजल, ब्लैक काजल है ये। काजल लगाने से आपके लुक में एक बेटर फिनिश आ जाएगा। मैंने अपने लोअर वाटर लाइन में ये लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज मैं करती हूँ, ये आप लोग भी ट्राई करके कर सकते हैं, वो है ओके अपर वाटर लाइन में अप्लाई कीजिएगा। इससे आपको मस्कारा लगाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल सा लुक देता है और आपके आईज बहुत फुलर लगती है। देखिए मैंने थोड़ा स्मच कर लिया है आंखों को, क्योंकि मेरे जो मतलब आंखों में काजल जो है वो बहुत जल्दी से स्मच हो जाती है, तो मैंने पहले ही इसको थोड़ा स्मची कर लिया है ताकि ये ज़्यादा स्मच ना हो। अच्छा, आईब्रोज के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज नेचुरली बहुत अच्छे हैं, यही एक चीज़ जो है मेरे फेस में बहुत अच्छी है, तो फॉर गॉड ग्रेस मैं आईब्रो के लिए कुछ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ आईब्रो को स्पूली से कोम कर लेती हूँ। अगर आपको आईब्रोज सेट करना अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है आप लोग यूज़ करते हैं, मैं कभी कभी हेवी मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। ये मिस क्लेयर का जो आईब्रो पेंसिल है इन द शेड ब्राउन, बहुत अच्छा है। इसके साथ आपको स्पूली भी बैक साइड में मिल जाएगा और शार्पनर भी है, आप इसको शार्पन कर सकते हैं।
तो मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने सिर्फ पांच चीज़ें यूज़ की है, बस अभी मैं अपने मेकअप को कंप्लीट करूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी, एक इयर रिंग पहनती हूँ, ये हुप्स है गोल्डन कलर के, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है गिफ्ट, मुझे बहुत पसंद है हुप पहनना, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है। बहुत बड़े साइज़ के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इजी है, आप इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी। और जल्दी जल्दी मेकअप के लिए उतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ इयर रिंग्स वगैरह, ये तो मेरे पास हमेशा हैंडी रहते हैं, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं ये हुप्स पहन लेती हूँ। अब मैं अपने बालों को खोल कर कोम कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो मैं अपने बालों को अच्छी तरीके से ऐसे कोम कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, ये मेरा मेकअप लुक है आज के लिए, बहुत इजी सा है, 10-15 मिनट में जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको लगेंगे नहीं। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं इजी टू कैरी है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और बहुत जल्दी से मेकअप आपको ज़्यादा लगेगा नहीं कि आपने बहुत मेकअप किया है, लेकिन बहुत अच्छा सा लुक देगा, जिससे एकदम नेचुरल सा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए आई शेडो बहुत नेचुरल से लुक है, मेरे ड्रेस के साथ भी थोड़ी मैच कर रही है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं एक साथ। मैं प्लस साइज़ की हूँ, मुझे पता है बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएँ हैं ऐसी, बहुत गर्ल्स हैं जो प्लस साइज़ की है लेकिन अच्छे तरीके से अपने आप को ग्लैम अप नहीं कर पाती है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी, होपफुली आपको वो अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्प्रेड लव, बाय।